नमस्कारम, वेलकम टू माय चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस। आई एम गौरव जोशी और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं ईशा क्रिया के ऊपर। मैंने जैसे लास्ट वीडियो बनाया था ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट के ऊपर, आशा करता हूँ आप लोगों ने वो चैंट एक बार जरूर करके देखी होगी और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। जब वो आपने वो चैंट करी होगी उसके बाद आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, प्लीज वो मेरे साथ शेयर करिएगा। जो वीडियो मैंने बनाई है उसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। तो आज की जो वीडियो है वो ईशा क्रिया के ऊपर होने वाली है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि ईशा क्रिया क्या है और उसके रिव्यूज क्या क्या रहे हैं, मेरे और मेरे एक्सपीरियंस क्या रहे हैं और बाकी लोगों के, बहुत सारे लोगों के जो एक्सपीरियंस रहे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं ईशा क्रिया रिव्यू। ओके, सो पहले व्हाट इज ईशा क्रिया। इंग्लिश में वीडियो नहीं बना रहे हैं, इंग्लिश में जिनको देखना है वो वीडियो ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं हिंदी में इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुत सारे लोग जो है वो हिंदी में हिंदी वो काफी सारे लोगों को हिंदी में कंफर्ट फील होता है और इंग्लिश में काफी सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते, इसलिए ये वीडियो हिंदी में ही रहेगी। तो व्हाट इज ईशा क्रिया, ईशा क्रिया क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। पहले देखो, ईशा क्रिया इज अ थ्री स्टेप क्रिया डिजाइंड बाय सदगुरु टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम योर माइंड एंड बॉडी। आपको आपकी बॉडी और माइंड से दूर करने के लिए ईशा क्रिया सद्गुरु ने डिजाइन करी है। तो आपको और आपकी माइंड से आपके माइंड और बॉडी से आपको दूर करना है। देखो, सद्गुरु ऐसा बोलते हैं कि ये जो आपका दिमाग है या माइंड है, ये आपने एक पीरियड ऑफ टाइम टाइम के एक पीरियड ऑफ टाइम में आपने इसको डेवलप किया है। जिस तरीके से आपने अपनी बॉडी को डेवलप किया है उसी तरीके से आपका माइंड भी एक समय के साथ डेवलप हुआ है। तो आपके माइंड की वजह से आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। किसी ने आपको कुछ कह दिया, आप गुस्सा हो गए, तो ये आपका माइंड क्रिएट कर रहा है क्योंकि आपके माइंड में बहुत सारे पास्ट इंप्रेशन है जिनकी वजह से आप गुस्सा रह सकते हैं। तो आपके माइंड से आपको किस तरीके से दूर किया जाए, आपकी बॉडी और माइंड से किस तरीके से आपको दूर किया जाए, ये एक सिंपल प्रोसेस है जो सद्गुरु ने दिया है। और जो वीडियो, इसकी जो क्रिया की वीडियो है, किस तरीके से क्रिया करनी है ये वाली, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो आई बटन है यहाँ पर भी आपको देखने को अभी मिल जाएगा। तो सदगुरु किस तरीके से बताते हैं ईशा क्रिया के बारे में, उसको भी पढ़ लेते हैं। ईशा रेफर्स टू दैट विच इज द सोर्स ऑफ क्रिएशन। ईशा मतलब ऐसा मान लो भगवान, सोर्स ऑफ क्रिएशन जो हो गया उसको भगवान मान लो। फिलहाल सिंपल भाषा में मैं भगवान बोलता नहीं, मैं सोर्स ऑफ क्रिएशन ही कहना पसंद करता हूं। और क्रिया का मतलब है इंटरनल एक्शन। देखो यहाँ पर तो सिंपल भाषा में सदगुरु ने बोला है इंटरनल एक्शन, अंदर से कुछ आप कुछ एक्शन हो रहा है आपकी बॉडी में, वो क्रिया है। बट मैं आपको थोड़ा और बता देता हूं, क्रिया कोई भी ऐसी ऐसी प्रैक्टिस होती है जो डायरेक्टली आपकी एनर्जी बॉडी पर काम करती है। जहां तक मैं इसके बारे में जानता हूं, सदगुरु ने यहां पर सिंपल भाषा में बताया, बट एनर्जी बॉडी जो हमारी होती है, तीन तरीके की मेनली बॉडी होती है, एक मेंटल बॉडी, एक फिजिकल बॉडी, एक एनर्जी बॉडी, जिसको बहुत सारे लोग आत्मा वगैरह भी कहते हैं, बट उसको नहीं बोलूंगा मैं, एनर्जी बॉडी कहते हैं। कोई भी क्रिया आपकी एनर्जी बॉडी पर डायरेक्टली काम करती है। अगर एनर्जी बॉडी पर काम हो रहा है तो आप बहुत जल्दी इवॉल्व हो सकते हो, ऐसा बोला जाता है। तो क्रिया लिटरली मींस इंटरनल एक्शन। द पर्पस ऑफ ईशा क्रिया इज टू हेल्प एन इंडिविजुअल गेट इन टच विद द सोर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। ईशा क्रिया का जो मकसद है वो ये है कि ताकि ईशा क्रिया का मकसद ये है कि आप अपने सोर्स ऑफ क्रिएशन यानी भगवान के साथ टच में आ जाओ, ठीक है, ताकि यू कैन क्रिएट द लाइफ अकॉर्डिंग टू योर ओन विश एंड विजन। अगर एक तरीके से आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ टच में आ जाते हो, भगवान के साथ टच में आ जाते हो, तो आप अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हो। बाकी आप ये भी पढ़ सकते हो, डेली प्रैक्टिस ऑफ ईशा क्रिया ब्रिंग्स हेल्थ, डायनामिज्म, पीस एंड वेलबींग। इट इज अ पावरफुल टूल टू कोप विद द हेक्टिक पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। जैसे जो आजकल लोग कहते हैं कि हमें स्ट्रेस हो गया, हमें गुस्सा आ रहा है, हमारी जिंदगी में पीस खत्म हो गया है, तो उनके लिए एक सिंपल प्रैक्टिस है ईशा क्रिया। अगर वो लोग इसको डेली करते हैं तो उनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत पहले के कंपैरिजन में पीस और डायनेमिज्म उनको नजर आने लगेगा। तो आगे चलते हैं ईशा क्रिया। व्हाई ईशा क्रिया? सिंपल, इट इज टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम योर बॉडी एंड माइंड। आपको आपकी बॉडी और माइंड से दूर करने में ये मदद करेगा। जब सदगुरु ऐसा बोलते हैं कि अगर आप एक क्राउडेड प्लेस में है या किसी जाम में फंस चुके हो, तो जब आप उस जाम के अंदर रहते हो तो आपको गुस्सा आता है, बहुत सारी चीज होती है, आप फ्रस्ट्रेटेड फील होते हो। बट अगर आप इसी ट्रैफिक जैम को किसी एयरप्लेन से देखोगे ना, तो आपको वहां देखकर मजा आता है।
वो जो भीड़ जमा होती है उसको देखकर मजा आता है। तो सदगुरु ऐसे ही बोलते हैं कि अगर आप किसी तरीके से अपनी बॉडी, जो माइंड है ना हमारा, एक तरीके से जो माइंड है उसको क्राउडेड प्लेस बोलते हैं, उस क्राउडेड प्लेस से अगर आप दूर खड़े हो जाओ तो ये क्राउडेड प्लेस आपको मजेदार नजर आने लगता है। तो ये इसीलिए बोलते हैं कि सदगुरु की ईशा क्रिया आपको हेल्प करती है माइंड और बॉडी से दूर करने में। हमको करना ही यही है। अगर आप किसी तरीके से मेंटल, एटलीस्ट माइंड से आपकी दूरी बन गई ना, तो आप खुशी महसूस करेंगे अपने आप ही। और इसके फायदे यही है, मेंटल पीस। और सदगुरु ये भी बोलते हैं, पहले के जमाने में लोग गायत्री मंत्र किया करते थे इन सब चीजों से निजात पाने के लिए, बट आज की सदगुरु ये भी बताते हैं कि गायत्री मंत्र उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद रहता है जो हमेशा एक ही, ज्यादातर उनका जीवन एक ही जगह पर रहकर बीतेगा। बट आज की डेट में जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोग बाहर जाना आना जाना रहता है, काम काम वो लोग काम लोग उन लोगों का ऐसा है कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, तो ऐसे में आप ईशा क्रिया कर सकते हो। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपको किसी भी मंत्रा की, मंत्र को करना है ना, चैंटिंग करनी है, तो आपको किसी गुरु के द्वारा गायत्री मंत्र या कोई भी मंत्र दीक्षा के रूप में लेना होता है। तो अगर आप दीक्षित हैं तो आप कर सकते हैं गायत्री मंत्र, अथवा गायत्री मंत्र आप बिना दीक्षा के कभी मत करिएगा, इसके नुकसान आपको हो सकते हैं। तो चलते हैं, एडवांटेजेस और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरे क्या रहे हैं। ये दो एडवांटेजेस मेरे हैं, मैं आपको बता दें, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, एडवांटेज नहीं, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरी बॉडी, जब मैंने ईशा क्रिया लगातार 2 हफ्ते तक करी, उसके बाद मैंने देखा मेरी बॉडी में आई यूज टू फील लाइट, मतलब मेरी बॉडी में हल्कापन महसूस होने लगा था मेरे को। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और दूसरा कि मेरी बॉडी में ना दर्द का अनुभव मुझे कम होने लगा था। जैसे अगर मैं अपने आप को एज कम्पेयर टू पहले से, अगर मैं आपको अपने आप को चूटी काटू ना, तो मेरे को अब दर्द बहुत कम होने लगा है। और अगर आप कुछ छोटी मोटी चीज मुझे चुभ भी गई तो मुझे उसका फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर पाती है, क्योंकि उससे मुझे दर्द बहुत कम हो चुका है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे, बहुत ऐसे योगीज थे जिनको दर्द होता ही नहीं था, इन द सेंस। एक बार एक योगी किसी राजा के महल के पास से गुजर रहे थे, ही वॉज नॉट वियरिंग एनीथिंग। वो जो राजा था, बहुत ऑफेंडेड फील हुआ, तो उस राजा ने अपने सैनिकों को उसको पकड़ने के लिए बोला जो योगी जा रहे थे। तो जहां पर वो योगी मूव कर रहे थे, पीछे से सैनिकों ने बुलाया, तो उन्होंने उनकी आवाज नहीं सुनी, तो राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने ऑर्डर दिया कि उनका हाथ काट दो, मतलब उनको हाथ काट दो। तो जैसे ही वो जा रहे थे तो उन योगी का हाथ काट दिया गया था, पर फिर भी वो जो योगी थे, नागा बाबा थे दरअसल, वो उनको योगी बोलते हैं, वो मूव फिर भी, जब उनका हाथ कट गया तभी भी मूव करते हुए जा रहे थे, उनको पता ही नहीं चला दर्द का। तो हमें इस लेवल तक तो नहीं पहुंचना, हमारा हाथ कट जाएगा तो हम कुछ काम नहीं कर पाएंगे जिस सिचुएशन में हम रहते हैं। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, थोड़े छोटे मोटे जो तो दर्द वगैरह होंगे आपको, वो कम होने लग जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी से दूरी बना रहे हैं एक तरीके से। ये मेरा ईशा क्रिया का पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी लोगों के एक्सपीरियंस क्या रहे हैं मैं ये भी आपके साथ शेयर करता हूं। या पढ़ भी सकते हो, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग ईशा क्रिया फॉर 5 मंथ्स नाउ एंड द चेंजेस आई हैव सीन आर रिमार्केबल। आई एम थिंकिंग लेस एंड हैव लेस ऑफ अ नीड टू नो व्हाई अबाउट एवरीथिंग। हमारे दिमाग में कीड़ा रहता है कि हर चीज के पीछे क्या, ये क्यों हो गया, इस लड़की ने उसको क्या बोल दिया, उस लड़के के साथ दूसरे लड़के की लड़ाई क्यों, ऐसी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है। कुछ तो देखोगे रास्ते में किसी की रास्ते में दो लोग आपस में लड़ाई कर रहे होंगे, हमारे अंदर बड़ा बड़ा वो रहता है कि वहां जाके जाने की इन दोनों के बीच में क्या हुआ, अबे तुम्हें क्या करना, कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी से क्या लेना देना उसका। तो ऐसी चीजें से आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, उनसे वहां आपको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखो, दूसरा दूसरे का पढ़ो, या आई जस्ट प्रैक्टिस द ईशा क्रिया मेडिटेशन एंड वाज सरप्राइज्ड हाउ पावरफुल दिस मेडिटेशन विद सदगुरु इज इवन थ्रू एन ऑनलाइन वीडियो। आई सडनली फेल्ट अ सेंस ऑफ इनर पीस। देखो ये भी यही कह रहा है, इनर पीस, बैलेंस एंड सेपरेशन फ्रॉम अटैचमेंट। अटैचमेंट दो ही चीजों की वजह से हो रहा है जनरली, आपकी बॉडी और माइंड की वजह से। आपका माइंड किसी चीज को आपको छोड़ने नहीं देता, या तो आपकी बॉडी किसी चीज को छोड़ने नहीं देती। तो ये चीजें लोगों को थोड़ी थोड़ी महसूस हो रही है अपनी जिंदगी में, जिन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है। आगे और लोगों की भी मैं कंटिन्यूशन में बताता हूँ। आई वेंट थ्रू द ईशा क्रिया प्रोसेस टूडे एंड फेल्ट टीयर्स वेलिंग अप इन माई आईज। आई फेल्ट समथिंग सॉर्ट ऑफ एन अर्ज टू एंजॉय इट लॉन्गर। ये जो इनकी आंखों से आंसू निकल के आए ना, खुशी के आंसू है एक तरीके से, इन्होंने एक तरीके से पीस महसूस कर लिया है। जब आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के टच में आओगे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, जब आप जिस चीज जिसको हम सोर्स ऑफ क्रिएशन बोलते हैं, इफ यू कम इन टच विद दैट, टीयर्स ऑफ वेलबींग और एक्सटेसी विल रोल आउट। ठीक है,
आपकी आंखों से आंसू आने लगेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये देखा है, मैंने ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट में भी इसका आपको बताया था इसके बारे में कि ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंट करते भी लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए और कई लोगों के आंसू रुके ही नहीं। ठीक है, अब कई कह रहे हैं देखो आई फील कामर एंड मोर एट पीस, इसको भी कामनेस महसूस हो रही है, पीस महसूस हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पढ़ सकते हो और बहुत सारे रिव्यूज अवेलेबल है इंटरनेट पे। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे दोस्तों की भी जो एक्सपीरियंस रहे कुछ लगभग ऐसे ही मिलते जुलते रहे हैं। मैंने ज्यादा इसलिए नहीं दिखाया, यहाँ पर बहुत सारे रिव्यूज दिखाए जा सकते हैं, बट इतने रिव्यूज मेरे हिसाब से काफी है आप लोगों को एटलीस्ट मोटिवेट करने के लिए कि भैया ईशा क्रिया एक बार तो जरूर 10-15 दिनों तक आप करके देखिएगा। ठीक है, और ये क्रिया जो है 12 मिनट की, 14 मिनट लगते हैं लिटरली, अगर आप सदगुरु के द्वारा जो वीडियो है उसके थ्रू अगर आप ये करोगे। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, 3 स्टेप्स में होते हैं ये। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अब देखिए कुछ भी डाउट रहता है पूछते रहिएगा, मैं धीरे धीरे उनके जो भी डाउट्स होंगे क्लियर करते रहूंगा। 3 स्टेप्स में है, हो सकता है किसी को कोई कोई डाउट आए, बट मैं आपको ये कहूंगा जैसा सदगुरु के ईयरफोन लगा के, आप ईयरफोन लगा के एक शांत सी जगह बैठ के आप ईशा क्रिया कर सकते हो। और दूसरी बात, ईशा क्रिया को तुम खाना हम खाना खा के कहें खाली पेट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सदगुरु ने इतना कहा है। अगर आप ईशा क्रिया खाना खा के करोगे तो आपको थोड़ी सी नींद आ सकती है, तो आप खाली पेट मतलब खाना खाने के 2-3 घंटे बाद ऐसा आप कर सकते हो ईशा क्रिया। रात को सोते समय, सोने से पहले मतलब सोते समय, चाहे सो के मतलब उठने के बाद, आप कभी भी ईशा क्रिया को कर सकते हैं। इसके साथ कोई भी बंदिशें नहीं है और ये इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, सबसे आसान है ये। और सदगुरु ये कहते हैं अगर आप 48 डेज तक इसको एटलीस्ट 48 डेज तक आप दिन में 2 बार इसको जरूर कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद कहीं जाके ये आपके बॉडी में एस्टेब्लिश होगी और तब जाके आपको ज्यादा फायदे होंगे। और एक चीज और, जब भी आप ईशा क्रिया करेंगे तो आप अगर ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू बाकी दिशाओं के। ठीक है, अगर आप दूसरी डायरेक्शन में फेस करके बैठेंगे तो उनके कंपैरिजन में ईस्ट में सबसे ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये था ईशा क्रिया के बारे में रिव्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब आगे देख लें कि मैं क्या क्या और वीडियोज बनाने वाला हूं। बहुत सारे रिव्यूज आने वाले हैं इनर इंजीनियरिंग के ऊपर है, एक कोर्स है जो सदगुरु करवाते हैं, ये पेड कोर्स है। उसके बाद ओम चैंटिंग, ओम नहीं होता है ये होता है आम, मैं बताऊंगा जब ये चैंटिंग का मैं आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ओम नहीं होता है, हम लोग गलत चैंट करते हुए आ रहे हैं आज तक, अब तक, लेकिन अब जैसे ही मैं ये वीडियो बना दूंगा आपको पता चल जाएगा ओम नहीं होता, आम होता है, और किस तरीके से होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, वहां सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ओम नमः शिवाय की चैंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, आप करते तो रहे होंगे बचपन में ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, किस तरह से करना है आपको ये मालूम नहीं है। मैं बैठा रहता था मंदिर में जाके करता रहता था, बट हमको जब तक सही रास्ता नहीं पता ना, आपको सही चीज सही तरीका नहीं पता, आप कुछ भी करते रहो आप पहुंचोगे नहीं जहां तक आपको पहुंचना है। ओम नमः शिवाय किस लिए किया जाता है ये भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, बस कर रहे हैं। कह दिया किसी पंडित ने आपको, कह दिया कि ओम नमः शिवाय का चैंट करो भाई 108 बार, तो पूछ तो लो भैया किस तरीके से करना है। आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते हो ना। अगर एक गाना बनाया जाता है, एक मंत्र बनाया जाता है, उसके पीछे कुछ टेक्निकलिटी होती है, आपको उस टेक्निकलिटी को फॉलो करना है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। ओम नमः शिवाय ऐसे नहीं कि किसी ने ऐसे लिख दिया ओम नमः शिवाय, 4-5 अक्षर लिख दिया और आप करने लग गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक पर्टिकुलर साइंस है इसके पीछे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और किस तरीके से चैंट होता है मैंने पहले भी बताया है, पिछली वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हो, ब्रह्मानंद स्वरूपा चैंटिंग में मैंने आप बताया, वहां पर बताया व्हाई अ चैंट और किस तरीके से चैंट करनी चाहिए। फिर शांभवी मुद्रा के बारे में बताऊंगा, फ्रीली अवेलेबल है शांभवी महामुद्रा, ये इनर इंजीनियरिंग में सिखाई जाती है। फिर चित्त शक्ति मेडिटेशन, मेडिटेशन सदगुरु ने सिखाए हैं, बहुत सारे अवेलेबल है, मैं लिंक इनके आपके साथ शेयर करूंगा। चित्त शक्ति के अंदर 3-4 तरीके के मेडिटेशन है, उनके बारे में मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। फिर एक फाइनल मेडिटेशन मेरा फेवरेट है, कल्प वृक्षा मेडिटेशन, ये अल्टीमेट मेडिटेशन है, फ्रीली अवेलेबल है और इसे करके इतना मजा आता है, मतलब बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट है ये, मजा ही आ जाएगा। आप इसको रात को सोने से पहले करोगे ना, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट चीज है ये। तो ये सारे रिव्यूज होने वाले, और भी रिव्यूज हैं मेरे पास, उनके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक
शेयर और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है, और मुझे लगता है आप इतने अच्छे लोग हैं कि सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन नमस्कारम, थैंक।